Hello students, in today's video we are going to learn about a very important process, breathing. But before that we will understand structure of respiratory system in human being. This is respiratory system of human being. This is nasal cavity. बच्चे हमारी जो नोज की कैविटी होती है इसको नेसल कैविटी कहते हैं. माउथ की कैविटी को ओरल कैविटी कहते हैं. फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर विंड एंड फूड. बच्चे एयर आपने इनहेल किया और आपने फूड खाया तो यहाँ जो है दिस इज कॉमन पैसेज, इसको फेरिंग्स कहते हैं. दिस इज लैरिंग्स जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं. लैरिंग्स के जस्ट नीचे आप देखो ट्राकिया है जो कि कार्टिलेज की बनी होती है. कार्टिलेज फ्लैक्सीबल होता है, फ्लैक्सीबल टिश्यू होती है. ट्रैकिया यहाँ टू पार्ट में डिवाइड होती है जिसको ब्रोंकस कहा जाता है. एंड ब्रोंकस जब लंग में एंटर करती है, आप देख सकते हो यहाँ जब टू पार्ट में डिवाइड होगी देन इट इज़ राइट लंग एंड दिस इज़ लेफ्ट लंग. ओके, अब जब ये ट्रैकिया टू पार्ट में डिवाइड हुई जिसको हमने ब्रोंकस कहा, इट फर्दर सब डिवाइडेड इंटू थिन थिन ब्रांचेस. ठीक है, अब ये जो फर्दर इनकी सब डिवीज़न होती है इसको हम लोग बोलते हैं ब्रोंकियोल. एंड वो ब्रोंकियोल फाइनली टर्मिनेट होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर में जिसको एल्वोलाई कहा जाता है. बच्चे आप ये देखो जब ये ब्रोंकस डिवाइड हो रहा है तो ये बिल्कुल ट्री लाइक अपीयरेंस दे रहा है ना. आप इसको जूम करोगे तो आपको ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगी. क्लियर, अब हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं किस तरीके से ब्रीदिंग होती है. बच्चे जब हम इनहेल करते हैं एट दैट टाइम ब्रीदिंग स्टार्ट होती है. जब भी हम एयर को ब्रीद इन करते हैं एयर इस थ्रोट से पास होती हुई कहाँ पहुँचती है, ट्रैकिया में पहुँचती है. ट्रैकिया जैसा कि अभी हमने देखा यहाँ पे इस एंड पे क्या होती है, ट्रैकिया टू पार्ट में डिवाइड होती है जो कि लंग्स में एंटर करती है ना. इसको मैंने ड्रॉ भी किया है. दिस इज ट्रैकिया एंड ये जो टू ब्रांचेस हैं इनको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकस कहते हैं. एंड ब्रोंकस जब एंटर करता है लंग्स में तो यहाँ पे फर्दर इनकी ब्रांचिंग होती है जिसको मैंने क्या बोला, इट इज ब्रोंकियोल्स. ठीक है, इसको ब्रोंकियोल बोला. एंड ये ब्रोंकियोल फाइनली टर्मिनेट किस में हो रही है, बलून लाइक स्ट्रक्चर में टर्मिनेट हो रही है जिसको एल्वुलाई कहते हैं. एल्वुलाई की वॉल बहुत ही थिन होती है एंड इस एल्वुलाई के ऊपर थिन थिन ब्लड कैपिलरीज की कवरिंग होती है. आप देख सकते हो ये जो मैंने इस तरीके से लाइनिंग की है, दिस इज़ ब्लड वेसल्स, इनको ब्लड कैपिलरीज भी कहते हैं. इन्होंने इस एल्वुलाई को क्या किया है, कवर करके रखा हुआ है. ओके, अब हमने क्या किया, ऑक्सीजन गैस को इनहेल किया. ऑक्सीजन क्या हुआ, एंटर हुआ इस एंड में. ठीक है, एंड यहाँ से इस ब्रोंकियोल के थ्रू वो कहाँ जाएगा, एल्वुलाई में जाएगा. एल्वुलाई में क्या हो गई, ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा हो गई एंड इस एल्वुलाई को कवर किया हुआ जो ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें ऑक्सीजन की क्या है, कमी है. मीन्स यहाँ पे ऑक्सीजन की अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पे लेस अमाउंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है इस ब्लड में. तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है एल्वुलाई से किस में एंटर करेगा, इस ब्लड वेसल में एंटर करेगा. ठीक है, एंड ये ब्लड वेसल उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में ले जाएगी. बच्चे इस डायग्राम में आप देखो ये हार्ट है. ओके, बलून से बलून जिसको एल्वुलाई कहते हैं उससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ गई, कैपिलरीज में, ब्लड वेसल्स में गई. एंड वो ब्लड कहाँ लेकर के आएगा, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लड वेसल कहाँ लेके आएंगे, हार्ट में लाएंगे. ठीक है, हार्ट क्या करेगा, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ करेगा एंड उसको पंप करेगा. पंप करके वो बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन में उसको पुश करेगा. ठीक है, जब ये ब्लड बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन या यू कैन से डिफरेंट सेल तक जाएंगे, सेल क्या करेगा, इस ब्लड के ऑक्सीजन को यूज़ कर लेगा एंड यूज़ करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी. उस कार्बन डाइऑक्साइड को अगेन ब्लड वेसल्स के थ्रू कहाँ लेकर के आया जाएगा, इस ब्लड वेसल के थ्रू इस लंग में लाया जाएगा. अब इस ब्लड वेसल में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो गई है,
एंड इस एल्वुलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की क्या है, कमी है. सो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इस ब्लड वेसल से इस एल्वुलाई में एंटर करेगा एंड इस एल्वुलाई के थ्रू वो फाइनली कहाँ जाएगा, ब्रोंकस से होते हुए, ट्रैकिया से होते हुए फाइनली हमारी नेसल कैविटी से आउट हो जाएगा. दिस इज ब्रीदिंग प्रोसेस. ओके, थैंक यू.